हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लडी मैरी की। तो आज की इस कहानी में आप ब्लडी मैरी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर झूठी। आपको ये सुनकर तो हैरानी होगी कि यह बात बिल्कुल सच है और इतिहास के बारे में इसकी बहुत सारी जानकारियां पाई गई। तो भैया सबसे पहले जान लेते कि ब्लडी मैरी थी कौन और रात के टाइम तीन बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलने से क्या होता है। तो इसके लिए हम आपको पीछे ले चले जाते हैं 1509 में। तो सन 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड के राजा थे हेनरी। उनकी दो बेटियां थी एलिजाबेथ और मैरी। पहले जमाने में राजाओं की एक से ज्यादा बीवियां हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थी। तो ब्लडी मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी, लेकिन मैरी के पिता उनको पसंद नहीं करते और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे काम करती थी। मैरी के पिता उससे जो भी कुछ कहते थे मैरी वही करती थी और उनकी बातों को कभी टालती नहीं थी। अब असली कहानी शुरू होती है 1547 में, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड के जो राजा हेनरी है उनकी 1547 में मौत हो जाती है। अब परंपरा के अनुसार पिता के मरने के बाद मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। अब रानी बनने के बाद मैरी जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म युद्ध चल रहा था। लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन देश की प्रजा उसकी बात से एग्री नहीं थी और उसकी बात को कई सारे लोगों ने नकार दिया। अब जो लोग मैरी की बात से एग्री नहीं थे तो मैरी ने उन लोगों को मारने की सजा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला दिया। इस वजह से लोग मैरी को पसंद नहीं करते थे और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि मैरी जब भी नहाती थी तो वो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। अब कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना चाहिए था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई, क्योंकि मैरी के गर्भ से कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, ना ही उसकी डेथ हुई। इस घटना से सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल भी हो गया। अब उस समय के जो ओझा है उन्होंने बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। ये तो अजीबोगरीब बात हो गई। और कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया और वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो जाती है। मैरी को लोग इतना बुरा मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी, खून से नहाया करती थी, और जब भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस बात से लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम रखा गया ब्लडी मैरी। तो ये थी नाम रखने की वजह। और मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब। तो ब्लडी मैरी अब मर चुकी थी और वो एक आत्मा बन चुकी थी। अब जो कहानी आती वो चौंका देने वाली होती। अगर आप रात में 2:33 से लेकर 3:33 के टाइम के बीच में एक शीशे के सामने मोमबत्ती लगाकर अगर आप तीन बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी का नाम लेते हैं तो वो आत्मा आपको शीशे में दिखने लगती। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 पे अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम तीन बार लिया तो कुछ समय बाद उस शीशे से एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़की शीशे से बाहर निकली और उस आदमी की आंखों को नोच गया, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लडी मैरी का नाम तीन बार लेने के बाद अगर आप उसे यह बोल दे कि आई स्टोल योर बेबी तो इस बात से ब्लडी मैरी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तो भैया ये थी कहानी मैरी ट्यूडोर यानी ब्लडी मैरी की। तो आप कॉमेंट करके बताओ कि कैसे लगी स्टोरी और कौन सी आपको नई स्टोरी बताऊँ रिसर्च करके। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।